हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सैपसॉक स्ट्रीट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैरेट कोरिएंडर सूप बनाना। बहुत इजी रेसिपी और खाने के अंदर भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैरेट कोरिएंडर सूप बनाना। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे कैरेट कोरिएंडर सूप बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये पीने के अंदर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सूप बनाना। बहुत ही ईजी रेसिपी बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन गैस के ऊपर चढ़ाकर एक चम्मच जितना ऑयल ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का गर्म होने आता है तो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा गार्लिक। गार्लिक में मैंने यहाँ पर 8 से 10 साबुत कलियाँ लिया है, उसे हल्का हल्का सा कूट लिया। तो सबसे पहले हम गार्लिक को अच्छे से सौते कर लेते हैं, यानी जब हमारा गार्लिक हल्का हल्का ब्राउन होने आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ऑनियन। तो चलिए, गार्लिक मेरा अच्छे से ब्राउन होने आ चुका है तो मैं इसके अंदर ऑनियन ऐड कर लेता हूँ। ऑनियन को हम ऐड करके ऑनियन को भी थोड़ा सा पकाएंगे। पहले हम मीडियम एंड फुल फ्लेम के ऊपर हम ऑनियन को भी अच्छे से पका लेते हैं। जब हमारा ऑनियन भी अच्छे से पकने आ जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन चिली। यहाँ पर एक ग्रीन चिली लिया मैंने और इसे वर्बली कट कर लिया। ग्रीन चिली डालकर हम 30 सेकेंड तक इसे ऑनियन और गार्लिक के साथ में अच्छे से सेक लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोरिएंडर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़े से कोरिएंडर लिया है और कोरिएंडर के पीछे के जो डंटल होता है ना, वो डंटल लिया है। डंटल को अच्छे से कट कर लिया वॉश करके, और एक गाजर लिया मीडियम साइज का, इसे पील करके वर्बली कट कर लिया। इन सब इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर ऐड कर कर 30 सेकेंड तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि कैरेट हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर लिया मैंने सॉल्ट हाफ चम्मच और एक चम्मच चिली पेस्ट। चिली पेस्ट से इसका स्वाद और काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ वाटर। यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया मैंने और इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको इन सब को इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इसके अंदर पका लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह बनाने से कैरेट कोरिएंडर का सूप और भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए, इनको सबको हम अच्छे से पका लेंगे। जब पानी हमारा अच्छे से सोख लेगा तब हम इसे इंग्रेडिएंट्स को ठंडा करके मिक्सी के अंदर डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए, इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, मिक्सी के अंदर हम डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। तब तक एक नॉन स्टिक पैन गैस के ऊपर वापस चढ़ाकर इसके अंदर एक चम्मच जितना ऑयल ऐड कर थोड़ा सा गार्लिक, फाइन चॉप गार्लिक ऐड कर लिया मैंने इसके अंदर। और गार्लिक को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं, यानी जब हमारा गार्लिक हल्के हल्के से ब्राउन होने आ जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा पेस्ट। जो भी हमने कैरेट कोरिएंडर का पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से घुमा कर वापस इसमें डाल देंगे। वैसे यहाँ फ्रेंड्स, 2 का 3 मैं यहाँ पर सूप बना रहा हूँ और ये पीने के अंदर भी बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। अगर अभी तक आपने इसे ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोबारा बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मीडियम एंड फुल फ्लेम के ऊपर कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे, और जब हमारे सूप के अंदर अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ये साइड में झाग आने लग जाएंगे। तो झाग को चम्मच की सहायता से हम रिमूव कर देंगे सभी को। चलिए, मैं सभी झाग को रिमूव कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ इंग्रीडियंट्स। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से सूप बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो चलिए, अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी डाला था तो बहुत ही कम डालेंगे। हल्की सी ब्लैक पेपर और आधा चम्मच जितना एरोमेट पाउडर, बस यही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने सूप बना के तैयार कर लिया। फाइनली कोरिएंडर डालकर हम गैस कर लेंगे ऑफ। आप देख सकते हैं सूप हमारा एकदम बहुत ही अच्छे से बन के तैयार। इसकी थिकनेस भी बहुत ही अच्छी आ रखी है। अगर आप थोड़ा सा कम थिक चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम उबाल सकते हैं। चलिए, इसे कर लेते हैं हम सर्व और इसके ऊपर कोरिएंडर की गार्निश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगे आपको तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई रेसिपी सीखनी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।